जैसे कि यू ऑल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, तो यू ऑल्यूशनरी रिलेशनशिप, यू ऑल्यूशनरी रिलेशनशिप, बस वर्ड को तोड़ो यार और फिर कमाल देखो। तो यू ऑल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशन, ठीक है, तो इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन के बारे में आप पढ़े होंगे है ना टेंथ में, टेंथ में और शायद सेवेंथ सेवेंथ में। तो देखो जैसे मंकी है, ये इवॉल्व होके बना मैन, ठीक है, आदमी बना, ये बहुत सारा का इवोल्यूशन है भाई, बहुत पुराना से पुराना, धीरे धीरे करके कुछ एडेप्टेशन चेंज आए इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, और बहुत सारा इसमें वो रहता है। बहुत लॉन्ग टॉपिक है, इसमें बात नहीं करेंगे अभी, इसको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारा ट्वेल्थ में है ना, बहुत मज़ा आएगा भाई इसको पढ़ने में। तो ठीक है, अभी देख लो, अभी इतना मतलब दिमाग में डाल लो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब देखो इवोल्यूशन जो हो रहा है, जो हुआ है, ये सब को भी ना कंसीडर करेंगे, ये सब को भी कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे, समझे। कहे कि इवोल्यूशन भाई एक दुनिया का वही सत्य है भाई, डार्विन जो बताया था इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इसको इतने ही अपने दिमाग में रख लो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है मंकी का, जो मैन है कहाँ से है, मंकी से। और वैसे ही देखो जैसे कि जो कुछ कुछ फर्न है ना, कुछ फर्न मतलब वो प्लांट ही रहते हैं, जो फर्न बेसिकली हमारा उसमें जिम्नोस्पर्म उसमें टेरिडोफाइट्स। अब वहाँ से इवोल्यूशन होते 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 एंजियोस्पर्म बना, सत्य है आप, मतलब सही बात है। देखो जैसे कि ये एल्गी फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ये इवोल्यूशन ही है भाई, ये इवोल्यूशन है। देखो सबसे सबसे अच्छा और मतलब कि इवॉल्व हमारा यहाँ पर प्लांट कौन है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे एंजियोस्पर्म। कहे कि सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन और सबसे अच्छा मतलब जो प्रीफर किए गए हैं वो इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन को देख के एंजियोस्पर्म आए हैं ना। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब यही है बस। और उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर देखो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, देखो क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना, क्लासीफाई कर दिए, इसको इसमें बांट दिए, उसको इसमें बांट दिए, ऐसे करके जब बोलते हैं ना, तो वही है कि देखो क्लासिफिकेशन। अब उसका बायो में है तो उसका कुछ टेक्निकल टर्म लाना पड़ेगा, इस कारण से कुछ ये टेक्निकल टर्म है टैक्सोनॉमी। अब क्लासीफाई कर दिए ऐसे करके, हम लोग तो ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, पर जब क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग के बीच में बोलना है ये सब, इसके लिए ना एक तो टर्म दिया है इसको, टेक्निक मतलब टेक्निकल टर्म फॉर क्लासिफिकेशन के लिए, इसलिए इसको टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी हो गया। न्यूमेरिकल ये तो नंबर से रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या होता है, इस टैक्सोनॉमी में कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ क्लासिफाइड, कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ क्लासिफाइड, इसमें क्या होता है, बहुत सारा करेक्टर लिए, अलग अलग हाइट ले लिए, कलर ले लिए, हाइट ले लिए, कलर ले लिए, यहाँ पर कलर हो गया, हाइट हो गया, शेप हो गया, बहुत सारा कलर वलर को सबको ले लिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में तो आपको पता होगा बहुत कुछ। कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना, सबको कंपेयर करते हैं कौन किस में जाएगा। जैसे ये रेड कलर है, तो ये रेड कलर सबको कंप्यूटर भेजते ना, मतलब कंप्यूटर इसमें मैन काइंड का कोई वो नहीं, इसको कंप्यूटर बेस्ड करते हैं, करने के बाद कौन सा कलर किस में जाएगा, कौन सा से पैसा सेफ है इसमें जाएगा, ऐसा हाइट है इसमें जाएगा, ऐसे करके इसको ना डिवाइड करते हैं। और देखना भाई नोट्स बनाते रहना भाई, बहुत मेहनत से मैं नोट्स बनाया हूँ, एक बार अभी क्लियर दिख नहीं रहा होगा भाई, अगले बार से कुछ अच्छा इसमें मैं लिखने का कोशिश करूँगा भाई, देख लेना, एक बार पढ़ रहा हूँ उसको समझ ले। कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ क्लासिफाइड मतलब क्लासिफिकेशन, और इन दिस नंबर ऑफ अ कैरेक्टर कंपेयर्ड एंड देन क्लासिफाइड,
सबको देखो, बहुत सारा कंपेयर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद देखो, ऑल कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट, सभी कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंट देंगे। ऐसा नहीं कि कलर है तो चलो भाई ये कलर है उसको बाद में कर देते, जैसे हम लोग भी कैसे टाल वाल देते हैं ना कुछ भी काम को, चलो इसको रहने तो ऐसे नहीं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंट देंगे। कलर है मतलब हाँ भाई कलर है और सेप है, तो दोनों में कोई मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं करेंगे कि हाँ सेफ है, इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसको कम प्रीफर करते हैं, ऐसे करके कुछ हो नहीं रहेगा। तो देखो ले कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, बोर्ड वाले और नीट वाले ये सब पॉइंट को बना के दे देता है भाई क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो चलो साइटो टैक्सोनॉमी देखते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो मीन्स सेल और टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। साइटोलॉजी मतलब जानते हो, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब बेसिकली होता है बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि पूरा साइटोलॉजी में इसका पिछला चैप्टर हो है, जैसे आगे वाले आने वाला चैप्टर होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें देखेंगे ये क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर और बहुत सारा सेल के बारे में उसमें स्टडी करेंगे, प्रोटोप्लाज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब, तो उसमें देखना पड़ेगा। उसको बोलेंगे हम लोग साइटोलॉजी, तो हम लोग क्या बोलेंगे सेल को, तो स्टडी ऑफ सेल क्या होता है साइटोलॉजी, तो बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को लेकर सेल वेल के बारे में जितना भी, बस इतना ध्यान में रखो सेल वेल को पॉइंट, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई करेंगे। तो ये साइटोलॉजी मतलब हो गया स्टडी ऑफ अ सेल। उसके बाद देखते हैं, ये तो कम्प्लीट, उसके बाद फिर कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मतलब तो समझ आ रहा है केमिकल, और टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, ये देखो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, देखो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, प्लांट में क्या केमिकल है, कौन सा केमिकल है, किसके कारण से कौन सा कलर आ रहा है ना, ये सब ये केमिकल हो गया। और इसके अलावा जैसे कि कुछ कुछ और अदर केमिकल एंजाइम रहते हैं, उसके बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन, जैसे कि देख ही लो आप लोग, जैसे रेड एल्गी, एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड ब्राउन और क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड ब्राउन और ग्रीन एल्गी। इसमें बेसिकली किससे, किसके बेसिस पे डिवाइड किया है, कलर के बेसिस, और कलर कहाँ से आता है, केमिकल से ही आता है ना भाई। तो मतलब क्या हुआ, केमिकल को देखे उसके हिसाब से क्लासीफाई कर दिए। तो देखो जिसमें फाइकोइराइथ्रिन, ये सब याद रखना, ये सब फोटोसिंथेसिस में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी दे दियो फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोइराइथ्रिन किसके लिए रहेगा, रेड पिगमेंट के लिए, रेड कलर जो देगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, तो फिर ब्लू पिगमेंट ये रहेगा, ब्लू पिगमेंट। और जो फ्यूकोजेंथिन है वो हमारा ब्राउन पिगमेंट, तो फिर वह इसी केमिकल के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। यही सब बात है और कुछ नहीं है, चलो ठीक है।